वो रियलिटी में हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, ये ऑसम गोवर्धन पूजा ऐसे ही हर साल इतने एंथुजियाज्म से मनती है, वो भी इस्कॉन वृंदावन के हेड पुजारी के घर में। ऐसी गोवर्धन पूजा शायद ही कहीं पर बनती होगी। इट्स जस्ट ऑसम। जब हम यहाँ पर 4 साल पहले आए थे और हमने यहाँ की गोवर्धन पूजा देखी थी, वी गॉट सो मच इंस्पायर्ड एंड सिंस देन वी हैव बीन ट्राइंग टू डू द सेम काइंड ऑफ गोवर्धन पूजा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज दिस लेवल इज समथिंग एल्स। द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क दैट हैज बीन पुट इन टू इट, द लेवल ऑफ डिवोशन दैट हैज बीन पुट इन टू इट इज जस्ट अमेजिंग एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड। हरे कृष्णा। सो आफ्टर 2 days ऑफ ब्लिसफुल एंड एक्सटेटिक गिरिराज पूजा, आज है 3rd day। सो पहले दिन छोटी दिवाली के दिन थी हमारे घर पे गिरिराज पूजा, 2nd day दिवाली वाले दिन हेड पुजारी जी के घर पर थी गिरिराज पूजा, और आज 3rd day अन्नकूट उत्सव है। और आज हम आए हैं अपने दीदी और जीजा जी के घर पर, जहाँ पर होगा अन्नकूट उत्सव कुछ ही देर में। सो अभी तैयारी चल रही है और देखते हैं क्या क्या चल रहा है। अभी 2 दिन इतनी हालत ख़राब थी एंड फाइनली 3rd day पर जाके कुछ होश आया है बोलने का और सब कुछ अच्छे से कवर अप करने का। कृष्णा क्या हो रहा है? हमारे गिरिराज जी बन रहे हैं, अभी फिर ये आएंगे और यही भोग लगाएंगे। सब कुछ अंडर कंट्रोल है? हाँ ठीक है। जय राधे श्याम। गिरिराज जी की कुकिंग चल रही है, वी ऑल आर फायर्ड अप, वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू द बेस्ट टू सर्व गिरिराज। राधे श्याम। प्रेम रूपा, गोवर्धन पूजा तो हो गई है, क्या हो रहा है? हरी बोल। सो दीदी के घर पे सारे के सारे स्टोव्स गिर चुके थे और बहुत सारे आइटम्स बन रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने घर पे आलू बॉन्डे बना रहे हैं और उनको तल रहे हैं। आलू गोंडा? यस, दिस इज आलू बॉन्डा। और यहाँ आलू बॉन्डा और गोंडा, गोंडा आलू बॉन्डा, माता जी आलू बॉन्डा ना, आलू बॉन्डा, आलू बॉन्डा, गोंडा। और यहाँ पर माता जी पूड़ियों के लिए अभी सब तैयार कर रही है, यहाँ पर पूड़ियाँ तलेंगे।
सो दिस इज द एक्साइटमेंट. ऐसा जितना भी कुछ होता है ना, ये सिर्फ श्री वृंदावन धाम में देखने को मिल सकता है. 3 दिन बैक टू बैक गिरिराज पूजा. Shiva Dana Suvasa.